दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे गैंग का भंडाफोड़ किया है जिन्होंने बड़े कारोबारियों से जबरन वसूली करने के लिए ऐसी जगह चुनी जहां से फोन जाने पर उन व्यापारियों में दहशत फैल जाती थी। व्यापारियों को डराने के लिए ये लोग अपने आप को जेल में बंद दिल्ली का नामी गैंगस्टर बताकर तिहाड़ जेल के पास से फोन लगाते थे। पुलिस जांच में कॉल लोकेशन भी तिहाड़ जेल ही आती थी। इसका फायदा उठाकर ये लोग दिल्ली के बड़े कारोबारियों को निशाना बना रहे थे। आरोपियों ने एक बड़े कारोबारी से 2 करोड़ की रंगदारी वसूलने की कोशिश की था, लेकिन कारोबारी ने डरने के बजाय पुलिस को खबर कर दी। ये मामला फिर क्राइम ब्रांच को सौंपा गया, जिसने जाल बिछाकर गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जांच में पता चला कि दोनों पहले केमिस्ट शॉप में काम करते थे, लेकिन जल्दी पैसा कमाने की लालच में दोनों ने 2 मोबाइल और 2 सिम लिए और फर्जी गैंगस्टर बन गए। वारदात के लिए सिम कार्ड का इंतजाम यूपी के इलाहाबाद से किया गया। उसके बाद दीपक सहरावत ने तिहाड़ जेल के पास खड़े होकर खुद को गैंगस्टर सत्ती बताते हुए व्यापारी को फोन किया और 2 करोड़ की रंगदारी मांग तो पकड़े गए। पुलिस ने इनके पास से 4 मोबाइल और सिम भी बरामद किए हैं। क्राइम ब्रांच के एडिशनल कमिश्नर के मुताबिक 1 मार्च को दीपक नामक कारोबारी चांद मस्जिद बाबरपुर निवासी, जो कि ई रिक्शा का काम करते हैं, ने शिकायत देकर कहा कि उसे 23 जनवरी को सुबह 9 बजे एक शख्स ने फोन किया और अपने आप को तिहाड़ जेल में बंद सत्ती गैंगस्टर बताया। उसने धमकी देते हुए कहा कि 2 दिन के अंदर उसको 2 करोड़ रुपए पहुँचा दिए जाएं, नहीं तो जान से हाथ धोना पड़ सकता है। इसके बाद ऐसा ही कॉल शाम 5 बजे फिर आया। पुलिस ने जांच के बाद उत्तम नगर से सतीश कुमार नाम के शख्स को पकड़ा। उसकी कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि रंगदारी की कॉल दीपक सहरावत कर रहा था। पुलिस ने दीपक सहरावत को भी उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। क्राइम ब्रांच अब इन लोगों से ये पता लगाने की कोशिश भी कर रही है कि उनके पास ये आइडिया कहां से आया और अब तक इन दोनों ने कितने व्यापारियों से इस तरह रंगदारी वसूली है। सनसनी ऑफ इंडिया के लिए विजय कुमार दिवाकर की रिपोर्ट। अगर आप क्राइम वीडियो देखने के शौकीन हैं और अपने आसपास होने वाले क्राइम से अपडेट रहना चाहते हो तो तुरंत हमारे सनसनी ऑफ इंडिया YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।